डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल अजय कॉमर्स गुरु। बेटे, आज मैं ट्वेल्थ वाले बच्चों के साथ, ये मेरी सेकंड वीडियो है आपके साथ। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे क्वेश्चंस के पैटर्न होंगे, क्या सिलेबस होगा ट्वेल्थ क्लास में, किस चैप्टर से कितने मार्क्स होंगे। आप लास्ट वीडियो देखे बेटे, वहाँ से सारा आइडिया आपको लग जाएगा। तो बच्चों, वहां पे हमने ये सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स होंगे, किस चैप्टर से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और वहीं पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं आपके साथ चैप्टर के अंदर की क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं, वो डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके चैप्टर के अंदर के चीजों को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर जो था वो था एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटे, इस चैप्टर के अंदर हमें टॉपिक क्या क्या करना है सबसे पहले हम लोग समझेंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जो काम करते हो एनपीओ के अंदर, कुछ छोटे छोटे काम करते हो, जैसे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। दूसरी बात बेटे, जैसे एनपीओ का मतलब क्या होता है, ऐसा फॉर्म जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करता है। इस फॉर्म का मकसद क्या है बेटे, सोशल वेलफेयर इस फॉर्म का मकसद है, प्रॉफिट इसका मकसद नहीं है बेटे। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने मेंबर से सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा लेते हैं। पहला टॉपिक आपका ये होगा। फिर बेटे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग होगा इसके अंदर, ये छोटे क्वेश्चन है बेटे। तीसरा बेटे काम हमारे पास होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना। और यहां पर आप दो बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं, ओपनिंग का बैलेंस शीट अलग बनाते हो और क्लोजिंग का बच्चों बैलेंस शीट अलग बनाते हैं। एनपीओ के अंदर हम ये काम करने वाले हो। तो एनपीओ के अंदर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कहूं आपसे कहां से बन सकता है, तो बेटे इन दो टॉपिक के अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या बेटे इस चैप्टर के थ्योरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थ्योरी पोर्शन को ऑब्जेक्टिव के लिए जरूर आप लोग पढ़े, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जामिनर बनाएगा कहाँ से बच्चों, तो वो थ्योरी से ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम थ्योरी, वही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाना शुरू करता है। तो ये पढ़ा हम लोगों ने चैप्टर वन को। आइए बच्चों चैप्टर टू को डिस्कस करते हैं। चैप्टर यूनिट फर्स्ट के चैप्टर सेकंड में क्या है, तो चैप्टर सेकंड आपका है पार्टनरशिप, जो सेकंड चैप्टर है बेटे फर्स्ट यूनिट का वो पार्टनरशिप है आपका। और यहां पर हम लोग पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए ये छोटा चैप्टर है कि सिर्फ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना है। अब फंडामेंटल की अगर बातें करूँ यहाँ पर, तो क्या क्या चीज़ें सिखाऊंगा यहाँ पर आप लोगों को। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के अंदर डीड क्या है, अगर पार्टनरशिप की डीड एब्सेंस है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हो, ये सारी बातें बेटे। उसके बाद बच्चों कैलकुलेशन करना सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन करना सीखेंगे, कमीशन का कैलकुलेशन करना सीखेंगे बेटे इन चीज़ों का। उसके बाद और क्या टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। और क्या टॉपिक होगा इसके अंदर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बाद एक टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ पार्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यहां पर हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद बेटे लास्ट होगा आपका, जो लास्ट वाला आपका टॉपिक रहता है वो रहता है गारंटी से, गारंटी टॉपिक, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट और गारंटी है। दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, क्या दो टॉपिक है, एडजस्टमेंट और गारंटी। तो आइए थर्ड चैप्टर में लेकर आऊं। और तीसरा यूनिट क्या था आपका, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तीसरा जो यूनिट था आपका
वो था मेरे प्यारे बच्चों, मैं फर्स्ट यूनिट में ही हूँ अभी बेटे। फर्स्ट यूनिट का तीसरा चैप्टर जो था आपका, वो था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर अलग अलग फिर तीन सब चैप्टर्स बन जाएंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर को। उसके बाद हम लोग करेंगे बेटे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को। और उसके बाद हम लोग करेंगे बच्चों डेथ ऑफ पार्टनर को। ये सारे टॉपिक हमने करना है। तो बेटे अगर मैं बात करूं कि इनके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो, वैल्यूएशन के अंदर क्या चीजें पढ़ने वाले हो, आओ बच्चों वो भी बात कर देता हूं आपके साथ। तो वैल्यूएशन की अगर बात करूंगा बेटे, वैल्यूएशन में हम लोग गुडविल कैलकुलेट करने के तीन अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे। जैसे बेटे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगा, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकलेगा। फिर कैपिटलाइजेशन के भी दो पार्ट बन जाएंगे, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे बनेगा और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट से कैसे गुडविल निकलेगा। अगर बेटे एडमिशन का बात करूं तो एडमिशन में आपको कराऊंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहां कराऊंगा बेटे आपको कैपिटल अकाउंट, और यहां पे करेंगे हम लोग बैलेंस शीट को। ठीक, ये आपका एडमिशन में है। रिटायरमेंट में आपको क्या पढ़ना जी, तो सेम चीजें पढ़ना रिटायरमेंट के अंदर, सिर्फ यहां पर एक एक्स्ट्रा अकाउंट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लोन अकाउंट। ये रिटायरमेंट के अंदर चीजें पढ़ेंगे हम लोग, मतलब टू द एक्सटेंट एडमिशन और रिटायरमेंट सेम चैप्टर है बेटे। बस यहां पर एक लोन अकाउंट बन जाएगा और थोड़े से कुछ गुडविल के कैलकुलेशन में डिफरेंस है। डेथ के अंदर दो अलग अकाउंट सीखेंगे आप लोग, एक तो जो पार्टनर जिसका डेथ हो गया उसका कैपिटल अकाउंट बनाना, और बेटे हमें एक और अकाउंट यहां पर सीखना है एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाना। जो बंदा मर गया उसके लिए हम बनाते हो कैपिटल अकाउंट, और जिस बंदे का डेथ हो गया वो खुद पैसे लेने तो आएगा नहीं। हाँ जी सर, तो ऐसे सिचुएशन में उसके बिहाफ में जो पैसे लेने आएंगे दैट विल कॉल्ड एग्जीक्यूटर्स। तो ये सारा काम हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर पढ़ने वाले हो। ठीक, बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो ये सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, और बेटे इन तीनों यूनिट से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस हैं। आइए पहले यूनिट के लास्ट चैप्टर का बात करूं अगर मैं, तो पहले यूनिट का लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। पहले फर्स्ट में हमने पढ़ा क्या, फर्स्ट में एनपीओ, फिर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और लास्ट वन इज व्हाट बेटे, जो लास्ट फोर्थ टॉपिक है इस यूनिट का वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब बेटे डिसॉल्व होने का मतलब क्या होता है, फर्म को बंद कर देना, व्हाटएवर द रीजन, चाहे फर्म को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बंद किया गया, चाहे कोर्ट ने फर्म को बंद कर दिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। तो डिसॉल्यूशन के अंदर क्या क्या टॉपिक करने वाले हो, देखो बच्चों डिसॉल्यूशन के अंदर हम लोग तीन अलग अलग टॉपिक पढ़ने वाले हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। तो यहां पर हम लोग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पर हम लोग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बेटे यहां बैलेंस शीट नहीं बनाना, चूंकि अब फर्म को आप डिसॉल्व कर रहे हो, फर्म को आगे कंटिन्यू नहीं करना, तो हम बनाएंगे क्या बच्चों, सर बैंक अकाउंट बनाएंगे। और हमारा बैंक अकाउंट मैच हो गया ना, तो समझ लो आपके पूरे 25 नंबर पक्के हो जाएंगे इस यूनिट से। तो डिसॉल्यूशन के अंदर ये सारी बातें बच्चों, डिसॉल्यूशन के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव इसके थ्योरी से होगा, अलग अलग कुछ थ्योरीज है, कुछ सेक्शंस भी इसके अंदर चीजें हैं, हम सीखेंगे आगे चल के कि कौन से सेक्शन में बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है, कौन से सेक्शन के अंदर हम म्यूचुअली चाहे तो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें वो सेक्शंस वगैरह भी यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया बेटे, कि पहले यूनिट के अंदर इन चैप्टर्स के अंदर से क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो।
ऐसे ही चलिए आइए हम दूसरे यूनिट में मूव करते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो यूनिट सेकंड आप देख रहे हैं कि यूनिट सेकंड के अंदर हमें चैप्टर क्या क्या करना है। तो बेटे यूनिट सेकंड के अंदर हमें टोटल तीन चैप्टर करना है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बेटे चेंज इन फाइनेंशियल एनालिसिस पोजिशन। तो शेयर कैपिटल और डिबेंचर के अंदर क्या करना है आपने, यहाँ पर जो चैप्टर्स होंगे आपके इशू ऑफ डिबेंचर और बच्चों रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये तीन चैप्टर्स हैं यहाँ पे। अब इशू ऑफ शेयर्स के अंदर क्या करना आपने, इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर क्या करना और बेटे डिबेंचर में क्या करना, वो चीजें समझ लीजिए इन शॉर्ट। तो अगर मैं पहले यूनिट का बात करूं बेटे, इशू ऑफ शेयर्स का बात करूं, तो शेयर के अंदर सबसे पहला काम कुछ बेसिक एंट्रीज सीखना, दूसरा काम बेटे अदर देन कैश का काम करना, तीसरा काम बेटे कॉल इन एरियर्स समझना, फोर्थ बेटे कॉल इन एडवांस समझना, फिफ्थ आपको शेयर फॉर फ्यूचर समझना, री इशू करना और फिर अल्टीमेटली यहां से कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन कर देना। ये सारी चीजें आपने सीखना है यहाँ पे कि भाई हमें यहां से बेसिक से चलते हुए और हमें कहां तक पहुंचना है बेटे, कैपिटल रिजर्व तक पहुंचना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटे इशू ऑफ शेयर्स। डिबेंचर के अंदर अगर मैं बात करूं बेटे, तो इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर हमें बेसिक सीखना, अदर देन कैश सीखना, ये नहीं करना, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर नहीं आते हैं। तो फिर नया क्या होगा डिबेंचर में प्यारे बच्चों, डिबेंचर के अंदर आपको तीसरा केस जो सीखना है वो सीखना डिफरेंट केसेस ऑफ इशू एंड रिडम्पशन सीखना है। फोर्थ बेटे क्या सीखना है इसके अंदर, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट की एंट्री सीखनी है और फिफ्थ राइटिंग ऑफ करना है किसको, लॉसेस को, ये सारी बातें सीखना। हालांकि ये बातें आपको तब बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आएगा जब हम इसको चैप्टर के अंदर पढ़ना शुरू कर देंगे। और जब मेरे आप चैनल पे जाएंगे तो मेरे चैनल पे एक 12th क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है प्यारे बच्चों। तो प्लेलिस्ट में अभी मैंने पहला जो वहाँ पर शुरू किया है क्लास आपके लिए, वो पहला रेशियो एनालिसिस से शुरू किया है प्लेलिस्ट के अंदर, जो आपका इस यूनिट का पार्ट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट है। तो रेशियो का मैंने लगभग 4-5 वीडियो लेक्चर उसके ऊपर अपलोड कर दिया है। जो अगला मेरा टारगेट होगा वो आप लोगों के लिए डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का टारगेट होगा प्यारे बच्चों। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोग अगले टारगेट में सॉल्व करेंगे। तो आए मेरे प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट इशू ऑफ डिबेंचर देख लिया बेटे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर आपको क्या पढ़ना, तो रिडम्पशन के अंदर टोटल 4 केसेस पढ़ने होंगे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की अगर बात करूंगा बेटे, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में हमें पैसे रिडीम करने का मतलब होता है पेमेंट कर देना, और पेमेंट्स करने के कितने मेथड्स होंगे, टोटल 4 मेथड्स होंगे रिडम्पशन में। एक लमसम पेमेंट मेथड होगा, दूसरा ड्रॉइंग अलॉट मेथड होगा, तीसरा बेटे परचेज इन ओपन मार्केट होगा और फोर्थ कन्वर्जन मेथड होगा। इन कन्वर्जन मेथड हम अपने डिबेंचर को शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। आइए बेटे अब दूसरे चैप्टर में आपसे डिस्कस करूं क्या पढ़ना आपने। दूसरा चैप्टर है बेटे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरा लगभग थ्योरी का चैप्टर है, प्रैक्टिकल इसके अंदर बहुत रेयर मिलेगा। तो ये तो हमारे लिए बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं। और लास्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैकबोन है सेकंड यूनिट का। इसके अंदर जो आपने चैप्टर करना है वो करना कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखना। यहाँ पे कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट के बाद हमें यहाँ पर कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना सीखना है। उसके बाद बेटे हमें यहाँ पर रेशियो सीखना, उसके बाद हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखना है।
ये सारी बातें बेटे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन में सीख के आना है आपको, जिसके अंदर मैंने अभी आप लोग के लिए रेशियो एनालिसिस का टॉपिक शुरू कर दिया है। बेटे रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैंने बेटे रेशियो एनालिसिस शुरू कर दिया है, आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं और YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाएं, आप बहुत इजीली एक्सेस कर पाएंगे। प्लेलिस्ट में क्लास 12th का सारा चैप्टर वाइज मैं चीजें बनाता जा रहा हूं। तो जो मेरे YouTube पर जितने भी वीडियोस अब तक डले हैं या आगे भी बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर आपके लिए वीडियो डलता रहेगा, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा उसका। मेरे पास एक और फैसिलिटी है, अगर आप लोग लेना चाहे, कोई भी बच्चा लेना चाहे, तो बेटे दोनों पे जूम ऐप पे भी और गूगल मीट पे भी हमारी लाइव क्लासेस चल रही है, और बहुत जल्द हम अपने ऐप के ऊपर भी लाइव क्लास के लिए आपके साथ अवेलेबल होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरीज हो, CBSE वाले बच्चों को या बिहार बोर्ड वाले बच्चों को या किसी भी अदर बोर्ड्स वाले बच्चों को जो भी क्वेरी हो, वो जरूर लिखे कमेंट में। बेटे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा आपके वीडियो में, व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे बातें कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच बच्चों।